सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी कक्षा सात की अमृतम पुस्तक के पांचवे पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति यानी कि भारतीय संस्कृति। इस पाठ में आपके इकारांत स्त्रीलिंग प्रयोग, इकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्दों का अधिक प्रयोग होगा, तो आप अपने इकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्दों पर भी ध्यान देंगे और जो मैं आपको आपके शब्दों के अर्थ समझाती हूँ उन पर भी आप ध्यान देंगे। अतीव विविधामयी खलु भारतीय संस्कृति ही। अतीव, अतीव का अर्थ है बहुत, विविधामयी विविधता लिए हुए, खलु हूँ निश्चित रूप से, भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति है। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ही विविधता वाली है। विश्व से प्राचीनतमा असु संस्कृतिषु अस्याः गणना भवति। विश्वस्य, विश्व की प्राचीनतमासु, प्राचीनतम संस्कृतिषु, संस्कृतियों में, अस्याः माने इसकी, गणना गिनती भवती होती है। विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में इसकी गणना होती है। वस्तुतः अन्य एव भारतस्य प्रतिष्ठा अखिल संसारे वर्तते। वस्तुतः निश्चित ही, अन्य एव इससे ही भारतस्य, भारत की प्रतिष्ठा अखिल संसारे पूरे संसार में वर्तते बताते हैं। निश्चित ही इससे ही भारत की प्रतिष्ठा पूरे संसार में बताते हैं। यथोक्तम जैसे कहा भी गया है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारतस्य, भारत की प्रतिष्ठे, प्रतिष्ठे का अर्थ है प्रतिष्ठा, द्वे दो में, संस्कृतम संस्कृतिस्तथा संस्कृत और संस्कृति में बताते हैं। भारत की जो प्रतिष्ठा है या प्रसिद्धि है वह संस्कृत और संस्कृति में ही बताई जाती है। वैदिके काले आर्य जनै परवर्तिता इयम् कालांतरे अनेके समुदाये संप्रदाये धर्म अवलंबिश्च परिवर्तिता। वैदिक काले, वैदिक काले का अर्थ है वैदिक काल में आर्य जनै, आर्य जनों के द्वारा परिवर्तिता आरंभ हुई। इयम् माने यह है कालांतरे, काल के अंतर यानी कि समय समय में, अनेकई बहुत सारे समुदाय, समुदाय के द्वारा, संप्रदाय, संप्रदाय के द्वारा, धर्म अवलंबिश्च और धर्म अवलंबियों के द्वारा परिवर्तिता बढ़ती रही। यह जो हमारी भारतीय संस्कृति है वैदिक काल में आर्यजनों के द्वारा यह आरंभ हुई और उसके बाद बहुत सारे समुदाय, संप्रदायों और धर्म अवलंबियों के साथ साथ यह बढ़ती रही। आधुनिक काले अस्माकं देशे नाना वेशभूषा भाषा आचार विचारवंतः च जनः निवसन्ति। आधुनिक काले का अर्थ है इस समय में, अस्माकं हमारे देशे, देश में, नाना बहुत प्रकार के वेशभूषा, वेशभूषा का अर्थ है आपका पहनावा, भाषा, भाषा, आचार विचारवंतः आचार और विचार, जनः बहुत सारे लोग निवसंती रहते हैं। आज के समय में हमारे देश में बहुत प्रकार की वेशभूषा वाले, बहुत प्रकार की भाषा और अलग अलग विचार वाले लोग रहते हैं। अत्र हिंदवाः, मुस्लिमाः, सिखाः, पारसिकाः, जैनाः, बौद्धाः, क्राइस्टाः च परस्परं मिलित्वा सहयोगेन वसन्ति। अत्र माने यहाँ, हिंदवः हिंदू, मुस्लिमः मुस्लिम, सिखः सिख, पारसिकः पारसी, जैनः जैन, बौद्धः बौद्ध, क्राइस्टः क्रिश्चियन, च माने और। परस्परं मिलित्वा आपस में मिलकर, सहयोगेन सहयोग के द्वारा वसन्ति रहते हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और क्रिश्चियन सभी लोग मिलकर एक दूसरे के सहयोग के साथ रहते हैं। अनेक तवे एक त्वस्य उदाहरणम प्रस्तुवति संस्कृति इयम् विश्व जनान आश्चर्यचकितान करोति। अनेक तवे, अनेक तवे का अर्थ है अनेकता में, एकत्वस्य एकता का उदाहरणम उदाहरण को, प्रस्तुवति प्रस्तुत करती हुई संस्कृति इयम् यह संस्कृति विश्वजनान, विश्वजनान का अर्थ है संसार के लोगों को आश्चर्यचकितान आश्चर्यचकित करोति करती है। अनेकता में एकता के उदाहरण को प्रस्तुत करती हुई भारतीय संस्कृति
संसार में सभी लोगों को आश्चर्यचकित करती है। अपनी पंक्तियों को एक बार दोबारा देख लीजिए। भारतीय संस्कृति बहुत ही विविधता वाली है। विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में इसकी गणना होती है। इसलिए इसके द्वारा ही भारत की प्रतिष्ठा पूरे संसार में बताई जाती है। कहा भी गया है कि भारत की प्रतिष्ठा दो में ही निहित है, एक संस्कृत दूसरी संस्कृति। वैदिक काल में आर्यजनों के द्वारा शुरू की गई, यह समय के साथ साथ इसमें बहुत सारे समुदाय संप्रदाय और धर्म आलम्बियों के द्वारा इसको बढ़ाया गया। आज के समय में हमारे देश में बहुत प्रकार की वेशभूषा, बहुत सारी भाषाएं और उनके बहुत सारे आचार विचार वाले लोग रहते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख पारसी जैन बौद्ध और क्रिश्चियन आपस में मिलकर एक दूसरे के सहयोग से रहते हैं। अनेकता में एकता का उदाहरण प्रस्तुत करती हुई यह संस्कृति विश्व के सभी लोगों को आश्चर्यचकित करती है। अत्र सर्वेषाम अपि धर्माणां पूजा पद्धत्या भिन्नः सन्ति। अत्र माने यहाँ सर्वेषाम अपि सभी की, धर्माणां धर्मों की पूजा पद्धत्या पूजा पद्धति भिन्नः भिन्न सन्ति माने है। यहाँ पर सभी धर्मों की जो पूजा विधि है वह अलग है। हिंदवाः श्रुतिषु स्मृतिषु च विश्वसन्ति हि मन्दिरेषु च इस स्तुतिं कुर्वन्ति। हिंदवः हिंदू, श्रुतिषु श्रुतियों में, स्मृतिषु च और स्मृतियों में, विश्वसन्ति विश्वास करते हैं, मन्दिरेषु च और मंदिरों में इस स्तुतिं कुर्वन्ति, ईश्वर स्तुति करते हैं। हिंदू जो धर्म के लोग होते हैं वह श्रुतियों और मनुस्मृति में विश्वास करते हैं और मंदिरों में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मुस्लिमाः कुरान ग्रंथम अनुसृत्य मस्जिदेषु अल्लाहं गायन्ति। मुस्लिमाः का अर्थ है मुस्लिम, कुरान ग्रंथम अनुसृत्य ग्रंथ का अनुसरण करते हुए मस्जिदेषु मस्जिदों में अल्लाहं गायन्ति अल्लाह का गायन करते हैं। जो मुस्लिम धर्म के मानने वाले हैं वह कुरान ग्रंथ का अनुसरण करते हैं और मस्जिद में अल्लाह का गायन करते हैं। सिक्काः गुरुद्वारेषु गुरु ग्रंथम गुरुण च पूजयन्ति। सिक्काः जो सिख धर्म के लोग होते हैं गुरुद्वारेषु गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथम गुरु ग्रंथ को गुरुन च और गुरुओं को पूजयन्ति पूजते हैं। सिख धर्म के लोग गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ और गुरु साहब को पूजते हैं। काइष्टा बाइबल ग्रंथम अनुसरन्ति चर्चेषु प्रभुम यीशुम च अर्चयन्ति। क्राइष्टा का अर्थ है जो क्रिश्चियन होते हैं वह बाइबल नामक ग्रंथ का अनुसरण करते हैं। चर्चेषु और चर्च आदि में प्रभु यीशु को अर्चयन्ति अर्चना करते हैं। जो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हैं वह बाइबल ग्रंथ का अनुसरण करते हैं और चर्च में प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं। एवमेव जैनः जैन मंदिरेषु चतुर्विंशति ही तीर्थकारान् स्तुवन्ति। एवमेव इसी प्रकार जैनः जैन धर्म को मानने वाले जैन मंदिरों में चतुर्विंशति ही 24 तीर्थकारों की स्तुति करते हैं। इसी प्रकार जैन धर्म को मानने वाले जैन मंदिरों में 24 तीर्थकारों की वंदना करते हैं। बौद्धः मठेषु विहारेषु वा भगवन्तं बुद्धं ध्यानयन्ति। बौद्धः बौद्ध धर्म को मानने वाले मठेषु विहारेषु वा वह मठों या विहारों में भगवन्तं बुद्धं भगवान बुद्ध को ध्यायन्ति ध्यान करते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले वह मठ विहार में भगवान बुद्ध का ध्यान करते हैं। पारसिका अपि निज धर्म स्थलेषु प्रभुं जरथुस्त्रं स्मरन्ति पूजयन्ति च। पारसिका अपि जो पारसी होते हैं वह भी निज धर्म स्थलेषु अपने धार्मिक स्थल पर
प्रभुम जरथोस्त्रम, भगवान जरथूनाथ की स्मृति उनको याद करते हैं, पूजयंती च और पूजा करते हैं। पारसी जो धर्म के व्यक्ति होते हैं वह अपने धर्म स्थान पर अपने भगवान जरथूनाथ को याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। दिल्ली नगरे वाहाई धर्म अवलंबी नाम कमल मंदिरम अपि दर्शनीयम अस्ति। दिल्ली नगरे, दिल्ली नगरे का अर्थ है दिल्ली नगर में वाही धर्म अवलंबिया, वाही धर्म को मानने वाले कमल मंदिरम, कमल मंदिर में अपि माने भी, दर्शनीयम दर्शनीय अस्ति माने है। दिल्ली नगर में वाही धर्म के अवलंबियों का जो कमल मंदिर है वह दर्शनीय है। तत्र भक्ताः एकस्मिन् सभागारे शान्त्यः तिष्ठन्ति इष्टं च ध्यायन्ति। तत्र माने वहां भक्ताः, सभी भक्त एकस्मिन् सभागारे एक सभागार में, शान्त्यः तिष्ठन्ति शांति से बैठते हैं, इष्टं च ध्यायन्ति इष्ट का ध्यान करते हैं। दिल्ली नगर में जो वाही धर्म के अवलंबी है उनका कमल मंदिर जो मंदिर है वह देखने योग्य है। वहां पर सभी भक्त एक सभागार में शांति से बैठते हैं और अपने ईश्वर का ध्यान करते हैं। अपनी इन पंक्तियों का अर्थ एक बार दोबारा देख लीजिए। यहाँ सभी धर्मों की पूजा पद्धति अलग है। हिंदू धर्म के जो अनुयायी है या उनको मानने वाले हैं वह श्रुति और स्मृतियों पर विश्वास करते हैं और मंदिरों में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मुस्लिम धर्म को मानने वाले कुरान ग्रंथ का अनुसरण करते हैं और वह मस्जिद में अल्लाह का गायन करते हैं। सिख धर्म को मानने वाले गुरुद्वारे में अपने गुरु ग्रंथ और गुरु नानक साहब का पूजन करते हैं। जो ईसाई होते हैं वह बाइबल ग्रंथ का अनुसरण करते हैं और चर्च में अपने प्रभु यीशु की अर्चना करते हैं। इसी प्रकार जैन धर्म के जो अनुयायी हैं या जैन धर्म को मानने वाले हैं वह जैन मंदिरों में 24 तीर्थकारों की स्तुति करते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले मठ विहारों में भगवान बुद्ध का ध्यान करते हैं। पारसी जो लोग होते हैं वह अपने धार्मिक स्थान पर अपने प्रभु जरथूनाथ का स्मरण करते हैं और पूजा करते हैं। दिल्ली नगर में बाहाई धर्म के अवलंबियों का जो कमल मंदिर है वह दर्शनीय है। वहां सभी भक्त इकट्ठा होकर एक सभागार में शांति से बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं। अस्माकं संस्कृतौ सर्वेषाम् अपि महापुरुषाणां समादरः समान रूपेण विधायते। अस्माकं हमारी संस्कृतौ संस्कृत में सर्वेषाम् अपि सभी महापुरुषाणां महापुरुषों का समादरः आदर या सम्मान समान रूपेण समान रूप से ही विधायते बताते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में सभी महापुरुषों का आदर समान रूप से होता है। वयम रामम कृष्णम च अपि मानयामः, बुद्धम महावीरम नानकम मोहम्मद यीशुः च अपि। वयम माने हम सभी रामम राम को, कृष्णम कृष्ण को, च अपि और भी, मानयामः मानते हैं, बुद्धम बुद्ध को, महावीरम महावीर को, नानकम नानक को, मोहम्मदम मोहम्मद को, यशुम यशु को, च अपि और भी। हम सभी राम और कृष्ण को मानते हैं, भगवान बुद्ध महावीर गुरु नानक मोहम्मद और भगवान यशु को भी मानते हैं। सर्वेषाम अपि उत्सवेषु समान उत्साहानेन प्रसीदामः। सर्वेषाम अपि सभी उत्सवेषु त्योहारों में समान उत्साहेन समान उत्साह से प्रसीदामः मनाते हैं या प्रसन्न होते हैं। सभी त्योहारों में हम समान रूप से खुश होते हैं। एवं भारतीय संस्कृतौ विविध धर्माणां सम्मत्तय महापुरुषाणां जीवन पद्धत्य अनेकेषां ग्रंथानां सूक्त्यः अनेकाः नित्यः च समाविष्टः सन्ति। एवं माने इस प्रकार ही भारतीय संस्कृतौ भारतीय संस्कृति विविधः विविध धर्माणां धर्मों को सम्मत्य सभी मान्यताएं
महापुरुषाणाम जीवन पद्धति, महापुरुषों की जीवन पद्धति, अनेकेषां ग्रंथानाम बहुत सारे ग्रंथों की सुक्तियां सुक्तियां, अनेकहा नीतियां च और अनेक उनकी नीतियां समाविष्टः समाहित या सम्मिलित संतिमाने है। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति में विविध प्रकार की अलग अलग धर्मों की मान्यताएं, महापुरुषों की जीवन पद्धति, उनके बहुत सारे ग्रंथों की सुक्तियां और उनकी नीति इस संस्कृति में समाहित है। एतासां सर्वेषाम् अपि पद्धतीनां सम्मिलितं स्वरूपमेवम् अधुना अस्माकं परिचितः शक्तिश्च वर्तते। एतासां, एतासां का अर्थ है इसकी, सर्वेषाम् अपि सभी पद्धतीनां पद्धतियों को सम्मिलितां सम्मिलित रूप से स्वरूप में उनके स्वरूप को ही अधुना अस्माकं आज हमारी परिचितः पहचान शक्तियाँ और शक्ति वर्तते बताते हैं। इस प्रकार सभी की मिलीजुली पद्धति और उनके स्वरूप से आज हमारी संस्कृति की पहचान और शक्ति बताते हैं। अपनी इन पंक्तियों का अर्थ एक बार दोबारा देख लीजिए। हमारी संस्कृति में सभी महापुरुषों का समान रूप से आदर किया जाता है। हम सभी राम और कृष्ण को मानते हैं और भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, मोहम्मद और यीशु को भी मानते हैं। सभी त्योहारों को हम समान उत्साह से प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में विविध प्रकार के सभी धर्मों की मान्यताएं, महापुरुषों की जीवन पद्धति, उनके बहुत सारे ग्रंथों की बहुत सारी सुक्तियां और उनकी नीतियां समाई हुई हैं। इन सभी की जो पद्धतियां सम्मिलित रूप से आज हमारी भारतीय संस्कृति में दिखाई देती है, उसी से आज हम परिचित होते हैं और वही हमारी शक्ति है। इस प्रकार ये आपका पाठ भारतीय संस्कृति पूर्ण होता है। आप अपने इस पाठ की वीडियो को एक बार दोबारा देखेंगे तो आप इसको और भी अच्छे से समझ जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के बुक वर्क के साथ। सर्वेभ्य नमो नमः।